जैसे कि मैंने अभी पूछा पापा से, पापा बोल रहे हैं कि 3600 घंटा, जिसे का मतलब एक घंटे में 3600 रुपया लेगा, मतलब जो काट रही है मशीन जो आप देखते हो इतनी छोटी है और इसका प्राइस जो है 3600 घंटा है। भाई साहब मतलब किस हिसाब से इतना पैसा ले रहा है भाई। सो हे एवरीवन, मैं आपका आशीष ब्लॉगिंग जोन। जैसे कि आज बहुत ज़्यादा काम है, आज का ऐसे है कि ट्रैक्टर आने वाला है खेत जोतने के लिए, और दूसरा काम है कि मशीन आने वाली है मतलब धान काटने के लिए। आज कुछ ज़्यादा ही काम है तो टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वहाँ पे जहाँ पे ट्रैक्टर आया है वहाँ पे चलते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे। गाइस आज वीडियो में पूरा बने रहिए कि क्योंकि आज धान काटने के लिए मशीन आने वाली है तो वहाँ पर भी थोड़ा मज़ा आएगा। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस चलते हैं वहाँ पर, आप लोग दिखाते हैं। आराम आराम करा, आराम आराम तब भैया, आराम आराम करा। ऐसा ही मार देगा पीछे। अब है पर है बस जैसे कि अभी मतलब ट्रैक्टर आया था जोत के और खेत चला गया। एक्चुअली में क्या कि खेत ज़्यादा गीला है, अभी तक गीला है तो मतलब सही से अभी नहीं हो पाया है। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप लोग दिख रहा होगा पूरा, मतलब यहाँ पर भी ऐसा ही है और इधर भी इतना ही है, और उधर का जो था अपना हो चुका है पूरा उधर का। और अभी ये क्या है कि धान काटने के लिए मशीन आई है, मम्मी बोल रही थी, पापा भी बोल रहे थे कि तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो देखते हैं वहाँ पर मशीन अभी आए है, मशीन वहाँ पर आई है कि नहीं आई है। तो अभी मैं चलता हूँ उधर उधर, आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ का जो भी लोकेशन होगा क्या कैसा रहता है। अपना जो स्कूल है, एम के राय स्कूल है, वहाँ पर ये मतलब मशीन आएगी, तो वहाँ का भी धान हो चुका है अपना। और इधर भी आप देख सकते हो अभी इधर का धान ऐसा ही है, और आज का मौसम भी थोड़ा अच्छा है, आप लोग देख सकते हो गाइस ऊपर भी मौसम कितना अच्छा लग रहा है। और इधर अपना बाग है, एक खेत था जो जोतने के लिए आया था, और उधर अपना हो चुका है। तो अभी हमें गाइस चलता हूँ उधर, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ पे मशीन आई है, और देखूँगा जो भी आप लोगों को दिखाने का होगा तो आप लोगों को जरूर दिखाने की कोशिश करूँगा। सो मैं चलता हूँ पहले वहाँ पे, बस पहले मैं कॉल करता हूँ क्या पापा बोल रहे हैं, मतलब आना है कि नहीं आना है। जैसे कैसे मैंने अभी पापा को कॉल किया तो पापा बोल रहे हैं कि मशीन वहाँ पर आ चुकी है, तो मैं वहाँ पर चलता हूँ जहाँ पर मशीन आई है अपने स्कूल पर, एम के राय स्कूल पर। अभी गाइस वो मशीन जहाँ पर मतलब काट रहा है अपने गाँव के हैं, मतलब आज ही लगती हैं तो उनका मतलब धान काट रहा है अभी। तो अभी मैं अपने बाइक से चलता हूँ, जैसे यहाँ पे अपनी बाइक है तो अपनी बाइक से मैं वहाँ पे चलता हूँ, वहाँ का भी आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा क्या कैसा रहता है, अपना खेत कौन सा है, अभी सही से हुआ भी नहीं हुआ, मैं हूँ वहाँ पे मतलब गया भी नहीं था एक बार भी, और आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। सो देखिए आप जिसके सामने ये मशीन आ चुकी है, और मेरा खेत उधर है उस साइड है, और ये दूसरे का मतलब अपनी जहाँ शादी लगती है उनका खेत काट रहा है अभी, देख सकते हो यहाँ सामने छोटी मशीन है, चैन वाली मशीन जो मतलब कि जो गीला होता है उसमें मतलब काट देता है। देखिए मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था जो मशीन अभी काट रहा है, मतलब उधर अभी काट रहा है, तो अपना खेत अपना यहाँ पे आप देख सकते हो जो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, और अभी ये कटने वाला है मशीन वहाँ पर काट रहा है, आप देख सकते हो मशीन सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। ये छोटी मशीन है जिसके गाइस यही होता है कि पानी जब ज़्यादा हो जाता है कभी कभी खेत में, जो धान का टाइम रहता है आपको पता है जो इसमें पानी मतलब ज़्यादा रहता है हमेशा, तो गीला रहता है इसको वजह से वो जिसमें उसमें चैन लगाया है, और वो जो गीला भी मार्केट रहता है उसमें भी हल्के मतलब वो काट देता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो उसकी वजह से हम लोग उसको बुलाए हैं कि वो दिक्कत ना होगा काटने में। नीचे भी तो थोड़ा मोड़ा गीला है और तो सब सही है,
और अभी देखते हैं, अभी उसको काटने में थोड़ा टाइम जाएगा। जब कट जाएगा मैं आप लोगों को, जब यहाँ पे आएगा तो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। अभी जो थोड़ा टाइम जाएगा यहाँ पे आने में। जितना ही मशीन आ रहा है अपने खेत में काटने के लिए, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ऐसे वहाँ से जहाँ पे काट रहा था वहाँ का जो है कर चुका है, और मशीन आ रहा है अपने खेत में काटने के लिए। गाइस मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और गाइस जैसे तो मशीन आ चुकी है अपने खेत में करने के लिए। हम देख सकते कितनी छोटी है और इतनी चैन लगा है, आप देख सकते हो। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इतनी चैन लगा है काट देता है। और छोटी मशीन है और हल्की भी मशीन है, तो इसकी वजह से दस्ता नहीं है। और जो बड़ी मशीन होती है मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और थोड़ा भी वो गीला पाता है तो मैंने इसलिए आप ही जो ज़्यादा ये गीला रहता है, तो मतलब जो बड़ी वाली मशीन होती है वो भी मतलब फंस जाती है। जो छोटी की वजह से मतलब ये मशीन नहीं फंसता कहीं पर। मैं आप लोगों को दिखाती आप देख सकती हो वहाँ तक अभी चला गया काटते, तो वहाँ से मतलब घुसा है खेत में और वहाँ तक चला गया काटते। अभी देखते हैं कितना टाइम लेता है, और मुझे नहीं पता है कितना इसका प्राइस है, मतलब घंटे का कितना प्राइस लेता है। अभी मैं अभी पूछ के बताता हूँ पापा से कितना मतलब पैसा लेगा ये। जैसे कि मैंने अभी पूछा पापा से, पापा बोल रहे हैं कि 3600 घंटा, जिससे कहा मतलब एक घंटे में 3600 रुपया लेगा। मतलब जो काट रही है मशीन जो आप देख सकते हो इतनी छोटी है, और इसका प्राइस जो है 3600 घंटा है। भाई साहब मतलब किस हिसाब से इतना पैसा ले रहा है भाई, 3600 घंटा। आप मतलब सोच नहीं सकते हो भाई कि इतना ज़्यादा पैसा ये ले सकता है मशीन, और इसका जो प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं कितना कब तक कितना टाइम लेता है काटने में। भाई सबसे बड़ी बात है कि जी इसका जो प्राइस है 3600 रुपया है, और जहाँ पे मतलब 2-3 घंटा मतलब लेगा जहाँ पे काटेगा उसका, तो मेरे ख्याल 10,000-12,000 रुपया ऐसा ही हो जाएगा आराम से। गाइस मतलब कि अभी कौन इसे कटवाएगा यार, इतना महंगा दे रहा है, और यहाँ पे पता नहीं कितना टाइम जाएगा। अभी तो मेरा ही ऐसा ही, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा है। देखते हो उधर भी जो जितना खेत दिख रहा है अभी मतलब काटने के लिए सब खड़े हुए हैं, जिससे जिसका हो गया है, और यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे एक दो लोग जो खड़े हैं सब मतलब कटवाने के लिए खड़े हैं, और सबका खेत मतलब हो चुका है और पानी है, पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से सब लोग मतलब कि बहुत लोग की सोच रहे हैं कि बारिश भी इसे आप जैसे मौसम ख़राब हो चुका है आप जिस वजह से, और अभी बारिश पड़ने लगेगा तो खेत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से 3600 या 4400 जो भी हो सब नहीं देख रहे हैं, कटवा रहे हैं। और इसलिए आप देख सकते हो ये लास्ट है, और अपना खेत कट चुका है आप देख सकते हो, यहाँ से पूरा मतलब कट चुका है, बस इतना ही बाकी है।
एक लाइन है, बस यही इधर है एक लाइन और उधर है, और अभी मतलब कट जाएगा पूरा, मतलब जो भी देखूँगा कितना घंटा जितना टाइम होगा मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कितना टाइम होगा, कितना पैसा होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। हमने से अपना बस से लास्ट चले जुड़िया 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 तो भाई कर चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन धान काट चुकी है और अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर पे अपना धान जो गिराएगा आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ पे। गिरारा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, आप लोग अभी देख लीजिए वीडियो गिराता है। देख सकते हो सामने आप लोग दिख रहा है भी है। होने के बाद हम लोग चलेंगे घर पे, अपना धान कट चुका है और अपना धान भी गिर चुका है, तो हम लोग चलेंगे घर पे। तो वैसे अभी हम लोग चलते हैं घर पे, अभी जो धान काटना था धान कट चुका है और हम लोग चलेंगे घर पे, धान काट चुकी है। स्कूल के लड़के हैं, छुट्टी हो चुका है तो मेरे घर से यहाँ पे आए होंगे घूमने के लिए। ट्रैक्टर आ चुका है यहाँ पे, अपना धान गिरेगा आप देख सकते हैं, और जो सबसे बड़ी झुली थी उसमें लग चुका है, यहाँ पे छोटी झुली मतलब डाली गई है, और अभी देखते हैं कब तक अभी होगा उतरेगा, तो देखता हूँ कितना है धान उसमें। अर्जो अर्जो धान अपना, तो गाइस आज का वीडियो इतना रहेगा, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बाय।